तेलंगाना में ये जो रायतु बंधु जो स्कीम अपनाई जा रही है बहुत ज़रूरी है। हर राज्यों में स्कीम होना नहीं, भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये अभी सरकार है ना केंद्र में, इनको उद्योगपति की चिंता ज़्यादा है, किसानों की चिंता नहीं। इतना आत्महत्या हो रही सोचते नहीं, सिर्फ ये बताते कि हमें विश्वनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू किया ये किया, ये झूठे बोलते थे। अगर लागू किया तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहे आज? अगर किसान ये लागू किया होता तो किसान ने आत्महत्या क्यों की? इसलिए तेलंगाना में जो काम शुरू हुआ है वो मुझे बहुत आशादायी नज़र आ रहा है। एक दीप स्तंभ, आंधी में जो दीप स्तंभ होता है समुद्र में, आंधी में नौकाओं को जो आधार होता है, ऐसे ये तेलंगाना में जो काम हो रहा है वो दीप स्तंभ के मुताबिक आधार होगा ऐसा मुझे लगता है। और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए पानी, पानी के लिए प्लानिंग, पानी प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मार्केटिंग, ये प्रश्न हम छुड़ाए तो किसानों को थोड़ा न्याय मिल सकता है। तेलंगाना में अभी जो एक फसल के लिए 5,000 रुपया एडवांस दे रहे एकड़ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है।